ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर है। शेंडे परिवार, यह है शेंडे परिवार, संयुक्त परिवार। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार को विशेष महत्व है। उसी प्राचीन संस्कृति का दर्शन हमें यहां मिलता है। हाँ, इनसे मिलिए। यह है डॉक्टर संजय। डॉक्टर संजय गणपतराव शेंडे, उम्र 43 वर्ष, बीएससी के बाद एमबीए किया, उसके उपरांत साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में एमए भी किया। लिखने का और विषयों पर भाष्य करने का शौक रखते हैं और हाँ, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म शिक्षा के लिए राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ ने इन्हें गोल्ड मेडल भी प्रदान किया है। नेचुरोपैथी और योगिक स्टडीज की भी प्रैक्टिस करते हैं। यह है डॉक्टर संजय की सहचारिणी कीर्ति। कीर्ति संजय शेंडे, उम्र 38 वर्ष, इकोनॉमिक्स में एमए किया है, एक दक्ष हाउसवाइफ है। सारे घर का काम काज अपनी जेठानी और सासू माँ के साथ मिलकर करती है। सामाजिक परिवर्तन के कार्य में पति का साथ देती है। यह है शेंडे परिवार के दूसरे स्तंभ डॉक्टर प्रदीप। डॉक्टर प्रदीप गणपतराव शेंडे, उम्र 47 वर्ष, एमकॉम के पश्चात इन्होंने सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री प्राप्त की और बीएमसी के उपरांत डीएनवाईएस की शिक्षा भी प्राप्त की। वर्तमान पत्रों के लिए फ्रीलांस लिखते हैं। यह है नंदिनी, नंदिनी प्रदीप शेंडे, डॉक्टर प्रदीप जी की जीवन संगिनी, उम्र 40 वर्ष, एमकॉम के बाद एमए किया, फिर बीपीए और अब एलआईसी में एडवाइजर है। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में पति और जेठ जेठानी का पूरा पूरा साथ देती है। डॉक्टर संजय और कीर्ति शेंडे, इनका एकलौता पुत्र संशोधन, संशोधन संजय शेंडे, जैसा नाम वैसा गुण, संशोधन करते रहता है, संशोधन कविता लिखता है, पढ़ता है और हाँ, अपनी बहन निर्मिति के साथ खेलता भी है। जी हाँ, निर्मिति, निर्मिति प्रदीप शेंडे, प्रदीप जी और नंदिनी की एकलौती बेटी निर्मिति। नाच गाने में उसका मन रमता है, पढ़ाई में भी अव्वल है, दादी के साथ खेलती है, बातें करती है। हाँ दादी, प्रदीप जी और संजय जी इनकी माता, कीर्ति और नंदिनी इनकी सासू माँ, सुमन, सुमन गणपतराव शेंडे, उम्र 70 वर्ष, परनातियों के साथ आनंद लेती है जीवन का। तो ये है शेंडे परिवार, जिन्होंने जन्म तो लिया हिंदू धर्म में मगर जीवन क्रमण का मार्ग ढूंढा बौद्ध धर्म में। तो ये है धम्य परिवार, शेंडे परिवार। ये तेरा घर ये मेरा घर इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये ऐसा कार्यक्रम है जहाँ हम घरों में जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, उनके आंगन में जाते हैं, खेलते हैं, खिलखिलाते हैं और जानकारी लेते हैं कि कैसा है ये घर, कैसा है ये परिवार, कितनी मदद करता है सामाजिक मोमेंट में, कैसे देता है संस्कार अपने बच्चों को, कैसे सेवा करता है अपने माता तथा पिता की। तो जानते हैं इस घर के बारे में। ये घर है शेंडे परिवार। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर प्रदीप शेंडे आपका और नंदिनी शेंडे जी आपका, और इसके बाद मैं स्वागत आपका भी करता हूँ डॉक्टर संजय शेंडे और कीर्ति शेंडे जी। आपने अपना समय दिया और हमें घर में बुलाया, आपका बेहद अभिनंदन। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं दोस्तों। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कैसे होना चाहिए घर? मुझे लगता है कि जो लोग सोचते हैं कि हमने मकान बनाया है जी, सिर्फ दीवार और उसकी जो दरवाजे रहते हैं या बाकी जो चीजें रहती हैं वही यानी मकान, तो वो मकान को जो अहमियत मिलती है वो इस प्रकार से मिलती है कि जब वो परिवार रहता है, परिवार के सदस्य आपस में मिल जुल कर रहते हैं। तो नंदिनी जी,
आपका पूरा संयुक्त परिवार है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सब मिलजुल के रहते हैं और सब आपस में अपने जो जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो सब हम मिलजुल कर छुड़ाते हैं और बहुत अच्छा लगता है सब मिलजुल के रहते हैं। कीर्ति जी, मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ, आप भी एक गृहिणी है, आप भी घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, आपके घर के क्या मायने हैं? हमारा घर जैसा है वैसे ही रहते, पूरे साथ मिलकर मिलकर रहते हैं। संजय जी, आपके ऊपर मैं आ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि घर में विचारों में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। मुझे मैं बचपन में हम ग्रामीण में पढ़ते थे जी। तो हमारे जो स्कूल में पढ़ाया जाता था तो एक इतिहास का एक किताब था हिस्ट्री का, उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले जी, राजश्री शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके विचारों पर आधारित हमें कुछ चैप्टर्स थे, लेसन थे। और वो मैंने खुद को ऐसा समझा कि वो अगर कर सकते हैं, मैं हम छोटे थे, हम पिताजी को पूछते थे, वो वारकरी धर्म संप्रदाय के थे जी, जी। तो उनके ऊपर संत कबीर, राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज, गाड़गे बाबा, जगत गुरु तुकोबारा, इनके विचारों का प्रभाव था, वो भी खुद प्रबोधन करते थे। तो वह हमें बताते थे कि अब अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसका एक्चुअल में अपन अमल करना चाहिए जी। तो वो सत्य के विचार हमने आत्मसात किए और परीक्षण किया उस पर, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सम्यक जो विचार है हमारे, सम्यक जो विचारधारा है हमारी बुद्ध की, भारत में जो तथागत गौतम बुद्ध के और चार्वाक और अभी तक ये जो संत गाड़गे बाबा, राष्ट्र संत सुखोजी महाराज तक के जो विचार है जी, ये हमने एक्सेप्ट किए। और जैसा जैसा मोमेंट आया, परिस्थिति आई, उस तरह हम खुद को बदलते रहे, क्वालिटेटिव चेंजेस हमने खुद में लाए, इसी वजह से एक हम आज जो कुछ है आपके सामने जी। कीर्ति जी, जैसे संजय जी ने कहा कि ये बहुत विचारधारा है और विचारधारा ने इस तरह से बांध के रखा है, एक साथ रखा है, विचारधारा से ही मतलब सब एक साथ में रह रहे उसकी वजह से जी। तो दोस्तों, जैसे कीर्ति जी ने, संजय जी ने, प्रदीप जी ने और रंजीत जी ने कहा कि एक विचारधारा है, फुले, शाहू, अम्बेडकर, बुद्ध की विचारधारा, जिसने इस घर को एक साथ बांध के रखा है। ऋणानुबंध अभी भी टूटे नहीं है, ये घर एक साथ है। हम कोशिश करेंगे कि, और हम दुआ करेंगे, हम ये चाहेंगे, ये मंगल कामना करेंगे कि ये घर ऐसे ही एक रहे, खुशियों से आबाद रहे। लेकिन लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक, कहीं भी जाइएगा मत, ब्रेक के बाद मिलेंगे। देखते रहिए ये तेरा घर ये मेरा घर। ओबीसी के लोग आईटी सेक्टर में हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईआईएम हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो, यहाँ पर जो उनको आरक्षण मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना टैलेंट दिखाने का, तो ये सब बाबा साहब के कारण है, ये ओबीसी भाइयों ने। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम है तेरा घर मेरा घर। हम यहाँ शिंदे परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं परिवार के बारे में। ब्रेक के बाद आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सर, आप एक सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो किस तरह से त्यौहार होना चाहिए और कौन से त्यौहार हम लोग मनाना चाहिए, कैसे मनाते हैं? मुझे लगता है कि जो भी हमारे ओबीसी भाई हैं, उनकी मेरी विनती रहेगी कि जो बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, जो राइट्स दिए, अधिकार दिए, उनके कितने भी अपन में, उनका कभी ये अपन ये नहीं कर सकते। सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आदमी की, उनके ऋण में हम रहेंगे, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। और लोगों को कहूँगा कि किसी भी आदमी ने बाबा साहब के प्रति अपना तन मन धन से काम करना चाहिए। उन्होंने जो हमको संविधान दिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ संविधान नहीं है, सर्वोत्कृष्ट हमारा वो संविधान है। उसके अमल के लिए आदमी ने उसकी एकदम इफिशियंटली उसका अमल बजावनी हो, इसके लिए कार्यरत रहना चाहिए और उनके उपकार में रहना चाहिए, ऐसा मुझे कहना है। ना कि उनके, हमारे ओबीसी भाइयों में मैं स्पष्ट कहता हूँ कि बहुत लोगों को नीले कलर की एलर्जी जी, तो ये नीले कलर की एलर्जी ओबीसी में जाना चाहिए। कि हमने देखा है खैरलाल जी के वक्त जो हुआ है, हमारे ओबीसी मूवमेंट के जो लोग हैं वो भी सामने नहीं आए थे निषेध करने के, हमने खुद उनके यहाँ पे बैठक बुलाकर निषेध किया था। तो ये ऐसा लगता है, ये ना कि फ्लैश के लिए, लेकिन कृति करना चाहिए, ना बोलना चाहिए, फुले साहब अम्बेडकर वादी है, जीवन में लाना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये ओबीसी ने करना चाहिए, ओबीसी के लिए 340 जो कलम बाबा साहब ने घटना में रखा है, उसके बदौलत ही आज ओबीसी के लोग आईटी सेक्टर में हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईआईएम हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो, यहाँ पर जो उनको आरक्षण मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना टैलेंट दिखाने का, तो ये सब बाबा साहब के कारण है, ये ओबीसी भाइयों ने समझना चाहिए। ऐसा ही मैं आपके माध्यम से सभी हमारे ओबीसी भाइयों को आह्वान करता हूँ।
जैसे कि सर आपने कहा कि आपका परिवार ओबीसी परिवार से है, तो मैं डॉक्टर प्रदीप जी आपके ओर आता हूँ कि ये परिवार ओबीसी परिवार है और ज़्यादातर हम देखते हैं समाज में ओबीसी परिवार जो है परिवर्तनवादी विचारधारा से थोड़ा दूर रहना चाहता है, फुले अंबेडकरवादी बुद्ध के विचारों से दूर है, वो परंपरागत पद्धति से ही अपना जीवन जीना चाहता है। तो इस परिवार में ऐसी कौन सी प्रेरणा मिली कि ये पूरा का पूरा परिवार चल दिया उस राह पर? मेरे पिताजी जो थे पहले संजय छोटा भाई, उन्होंने बताया कि टीचर होने की वजह से वो प्रबोधनकार भी थे, वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे और वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत जो विठ्ठल करके जो प्रतीक है जी, वारकरी संप्रदाय के जो प्रमुख धारा के माने जाते हैं, तो मेरा वो भी दूसरी तरफ से ये भी कहना है कि विठ्ठल यानी दूसरा कुछ नहीं है तो विचारधारा बुद्ध की विचारधारा है जी। जगत गुरु तुकाराम महाराज ने कहा है कि सत्य असत्यासी मन के लिए ग्वाही मानिले नाही बहुमता, जेका रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले, देव तो देव तेथेची जनावा साधु तोची ओर खावा। इसी के इस प्रकार से ही दूसरा उन्होंने कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्ध ने कहा जी। तो बुढ़ती है जनो न देखे डोरा उन्होंने करवड़ा ये तसे, तो जो बुद्ध की परंपरा है, जो बुद्ध का विचार है, तथागत बुद्ध के जो विचार है, वो जगत गुरु तुकाराम महाराज ने अपने अभंग के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए हैं, वो समाज से नहीं आते। तो हम एक उच्च वर्गीय परिवार था टाकलघाट में, उनके यहाँ हम किराए से रहते थे, तो वहाँ की जो महिला थी उच्च वर्गीय, वो हमें जो घड़ा रहता है उसको छूने तक नहीं देती थी, वो अगर उन्हें गलती से पानी पी लिया तो वो उस घड़े से पानी फेंक देती थी और कहती थी कि आप उसको छुआ मत छूना मत। तो हमें लगा कि अगर हम दलित न होते हुए भी ओबीसी के निचले तबके से आते हैं तो हमें ये ट्रीटमेंट दे रही है, वो बर्ताव कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें वो सोचने के लिए मजबूर किया कि विद्रोह, कहीं ना कहीं विद्रोह था। और दूसरी बात ये थी कि हम भी दलित हैं, हम खुद को अगर ओबीसी भी है लेकिन हम मानते ही नहीं कि हम ओबीसी हैं, क्योंकि ओबीसी में जो सबसे छोटा तबका रहता है उसमें से हम बलुतेदार बलुतेदार में नहीं आते, बलुतेदार में तो बलुतेदारों से अगर ये हाई कास्ट लोग उच्च वर्गीय लोग इस प्रकार का बर्ताव करते हैं, इस प्रकार की उनको ट्रीटमेंट देते हैं, तो दलित लोगों को क्या देते होंगे। और टाकलघाट ऐसी बस्ती थी, दूसरी बात और एक बताता हूँ कि वहाँ निस्तानी घर के परिवार है तो वो हाई कास्ट है, पाटिल समाज के है, और वहाँ की व्यवस्था जो थी वो जो मनुवादी व्यवस्था है, वो मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इस प्रकार की जो विचारधारा है, इस प्रकार का जो मनुस्मृति के अंतर्गत समाज व्यवस्था है, वो समाज व्यवस्था का छोटा सा प्रतिबिंब मैंने टाकल का, क्योंकि वहाँ दलितों की बस्ती अलग है जी, जो ओबीसी की बस्ती अलग है, मुस्लिमों की बस्ती अलग है, जो अलग दलित है बौद्धेतर दलित जो है उनकी बस्ती अलग है, तो ये हमें लगा कि ये ऐसा क्यों। तो ये सोचते सोचते हमें लगा कि फिर पढ़ते गए तो बाबा साहब का जो विचार है, महात्मा फुले का विचार है, तथागत बुद्ध का विचार है, कबीर का विचार है, और हमारे पिताजी वारकरी संप्रदाय के होने के कारण जो ये अभी मैंने बताया अभंग के रूप में, तो ये कहीं पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन पिताजी के जो वारसाहत जिसको बोलते हैं या परंपरागत जो आता है नई पीढ़ी में, तो वो जो जैसी कहावतें हैं मुहावरे हैं, तो वो अपने आप स्वयं स्फूर्ति से हमारे अंदर आए, और हमने जैसे गाड़गे बाबा है तो जे कारण गाड़गे बाबा भूखे लाला अन्न द्या तानले लाला पानी द्या, निरक्षरांना शिक्षण द्या आणि उपाशी पोटी जे असतील त्यांना आर्थिक मदत करा, ये जो उनका जो मानना था वो हमारे जीवन में हमने अपनाया, और वो उतना धैर्य भी होना चाहिए, उतनी मानसिकता भी होनी चाहिए कि जो सत्य विचार है, सत्य में जैसे जो हम बोलते हैं, तो जो हमारा एक प्रेरक है संविधान के अंतर्गत, तो वो हमने खुद के जीवन में उसको अपनाया, और इसी का परिणाम है कि आज हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं जी। और बाबा साहब का विचार हमारे ओबीसी समाज के हर तबके तक, जो निचले तबके तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और हम ये भी मानते हैं कि 2500 साल का जो विषमता थी वो कम हो रही है, क्योंकि उनको भी जो संविधान के अंतर्गत जो लाभ मिल रहे हैं, जैसे 27% आरक्षण हर क्षेत्र में मिल रहा है ओबीसी को, और
बहुत सी रिलैक्सेशन मिल रही है, सहूलियतें मिल रही है। तो इसी प्रकार से हर प्रकार से अगर हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पे, निश्चित रूप से हमें आशा है कि उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। जी, एक अच्छा आशावाद आपसे मिल रहा है इस परिवार से। दोस्तों, एक अच्छा आशावाद मिल रहा है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि दलित, ओबीसी और आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब लोग जो भेद था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और एक आशा भी इस घर से मिल रही है कि ये भेद धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक फैमिली जैसे ये सब लोग रहने लगेंगे। हाँ, वही दिन होगा जब फिर से हम कहेंगे कि भारत सोने की चिड़िया फिर से बन गया है। इसी देश दिन की तो हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत को फिर से हम कहें कि ये सोने की चिड़िया है। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। कहीं भी जाइएगा मत, देखते रहिए ये तेरा घर ये मेरा घर। जो बच्ची तो बहुत छोटी है लेकिन उसको बताती हूँ कि बड़ा हो के कुछ अच्छा करो, जैसे पापा है, पापा के जो विचार है वो लो और कुछ अच्छा बन। ये तेरा घर ये मेरा घर। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। कार्यक्रम है ये तेरा घर ये मेरा घर। हम इस परिवार में बैठे हैं डॉक्टर शेंडे, इनके परिवार में, और बातचीत कर रहे हैं आदर्शों के बारे में, संस्कारों के बारे में। पहले मैं आऊँगा नंदिनी जी आपकी ओर, कि एक संस्कारित घर है और आपके ससुर जी से जो विरासत मिली है वो वारकरी संप्रदाय के थे और जगत गुरु तुकबराय के फॉलोअर थे, उनके अभंग वो गाते थे और प्रबोधन करते थे। तो ये प्रबोधन क्या आप अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे? जो नहीं है उसको मानो मत, वो भी ज़्यादा भगवान की है। जैसे आपने कहा कि आप सोशल वर्क में काम करती हैं, तो आप चाहेंगे कि आपकी बच्ची, आपका बच्चा जो इस घर में रहते हैं वो भी आपके नक्शे कदम पर चले और इस मोमेंट में आए? हाँ, लगता है ऐसा कि जो बच्ची बहुत छोटी है लेकिन उसको बताती हूँ कि बड़ा होकर कुछ अच्छा करो, जैसे पापा है, पापा के जो विचार है वो लो और कुछ अच्छा बनने की कोशिश करो। जी, अभी बच्चों का विषय निकला है तो दोस्तों, यहाँ इस घर में जब आए तो हमने बच्चों से थोड़ी सी बातचीत की। हम देखते हैं बच्चों ने घर के बारे में क्या कहा और उनके क्या विचार है संस्कारों के बारे में। मम्मी पापा मुझे हर बार और ये बताते हैं कि फ्यूचर में तुम्हें कुछ बनना है, इसलिए हर बार पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही तुम्हें हर बार आगे बढ़कर तुम कुछ बनोगी और हमारा सपना पूरा करोगी। और मैं अपने पापा समान और अपने चाचा समान बनना चाहती हूँ। मम्मी भी और पापा भी दोनों पढ़ाई में और जो अच्छे अच्छे कार्यों के लिए मुझे हमेशा प्रोत्साहन देते हैं, और अगर कहीं मैं गलती से रास्ते से जो रास्ता उन्होंने मेरे लिए बनाया है उससे भटक गया तो वो हमें एनकरेज करते हैं कि अच्छा बनने के लिए आपको कठिन परिश्रम और हार्डवर्क लेना ही होगा। और इसी के कारण मैं अपने मम्मी पापा जिस राह पर चल रहे उसी राह पर चलते हुए उनको फॉलो करके उनसे भी आगे जाना चाहता हूँ और उन्हीं से यही प्रेरणा लेता हूँ। मुझे मेरे बच्चों की विचारधारा बहुत अच्छी लगती है, उनके जो ये संदेश है वो बहुत अच्छे लगते हैं। शाहू फुले अम्बेडकर जैसे इनके विचार उनमें रूढ़ हुए हैं, वो घर में वैसे ही बताते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आपने देखा बच्चे किस तरह से बात कर रहे थे और बता रहे थे घर क्या है, संस्कार क्या है। मैं फिर एक बार आपकी ओर आता हूँ कि सुख दुख लगा रहता है, हर घर में सुख होता है, दुख होता है। तो ऐसा एकाध दुखद ऐसा क्षण, ऐसा दिन जो फिर से इस कुटुंब में ही नहीं तो किसी के भी जीवन में ना आए, ऐसा एक दुख का दिन हम शेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कौन सा दिन था? ऐसा एक दिन था जो दिवाली तो हम मानते नहीं लेकिन दिवाली का जो भाऊबीज का दिन रहता है जी, उसी दिन पिताजी एक फंक्शन था तो उसके लिए ये रोड से मानेवाड़ा रोड जो जाता है तो शेविंग के लिए गए थे। तो शेविंग के लिए जाने के बाद किसी को उन्होंने बताया नहीं मैं जा रहा हूँ करके। 75 ईयर्स ओल्ड थे, 75 साल के, और शेविंग के लिए गए ये रोड से उधर दुकान थी तो वहाँ शेविंग करने के लिए गए। शेविंग करने के बाद लगभग वो 8:30 बजे की बात होगी सुबह की, तो रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक 16 साल का बच्चा
अपनी बाइक लेके, माँ की बाइक लेके उनको न बताते हुए स्पीड से जा रहा था, 80 की स्पीड थी। तो पिताजी रोड क्रॉस करते समय उसने उनको डैश दे दी और डैश देने के बाद वो उछल के नीचे गिर गए और फिर वो जख्मी हो गए। तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ करके, तो जो पहचान वाले लोग थे उन्होंने हमारे यहाँ बताया। बाबा साहब ने जो प्रिंसिपल एंड गाइड्स में लिखा है कि हम पहले हर बात, हमने जो शादी भी की, हमने कोर्ट मैरिज की दोनों भाइयों ने, कोई एक रुपया भी खर्चा किया नहीं, किसी को बुलाया नहीं, पूरी हमने यहाँ पे कोई कर्मकांड किया नहीं, पूरे साइंटिफिक इससे हमने शादी की, हमारे बच्चों की भी हमने स्कूल में जो नाम डाले, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है जी, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए कि जो चातुर्वर्ण ने हमें इतनी जिल्लत दी है, हमें जो हमारी अवहेलना की है, तो वो उसको हम क्यों स्वीकार जी। जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमने सोचा कि वो स्कूल में उनकी कास्ट नहीं डालेंगे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना मैं बताना चाहता हूँ, जो खुशी की बात है कि जो प्रिंसिपल एंड गाइड की बात कर रहा था तो उसमें कलेक्टिव फार्मिंग ऐसा कुछ बाबा साहब ने सिफारिश की है जी, कलेक्टिव फार्मिंग कि जो आज देश में सामूहिक खेती करना चाहिए। तो हमने उसके वक्त मेरे जो दोस्त थे तो उनके माध्यम से हमने उस टाइम 2000 में एक खेती ली नागपुर वर्धा रोड के पास और 8-8.5 एकड़ जमीन है, तो वो हमने 10 महिलाओं के नाम से लिया, हमारे मिसेज ही मेरी भाभी है और बाकी मेरे दोस्त है सब, ये अपने सब पिछड़े वर्ग के जो दोस्त है सभी अलग अलग कास्ट के, और उनको मिलके और उन महिलाओं को लेके हमने वो खेती खरीदी की और आज कलेक्टिव फार्मिंग के तौर पर वहाँ पे जो गोवारी समाज का एक आदिवासी समाज का लड़का है, उनका कपल्स है, दोनों मियाँ बीबी है, वो काम करते हैं और हम प्रगतिशील शेतकरी के रूप में वहाँ फूल खेती करते हैं या तो जो भी है उसके माध्यम से हम खेती कर रहे हैं। और एक आदर्श हमने समाज के सामने रखा है कि आप अगर सम विचारधारा के लोग हैं तो ना कि घर अच्छा रख सकते हैं, तो आप समाज में भी एक मैसेज दे सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं। और जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो उनको अंदर में इन्वॉल्व करना था, इनबिल्ट करना था, लेकिन वो कर नहीं पाए, इसलिए प्रिंसिपल एंड गाइड में रखा कि कलेक्टिव फार्मिंग ही अगर इस देश में, अगर एक कृषि प्रधान देश है तो आपको कलेक्टिव फार्मिंग के माध्यम से खेती कर सकते हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, कृषि पर आधारित बिजनेस कर सकते हो, ये हमने वहाँ पे बताया। हमें और भी आगे हमको इस माध्यम से बहुत कुछ काम करना है, जो बाबा साहब ने कहा था कि भारत देश को बौद्धमय करना है, तो वो बौद्धमय करने के लिए भी हम ओबीसी के जो विशेष जो लोग हैं उनमें बुद्ध के विचार, बाबा साहब के विचार का जो आचरण है, सम्यक अष्टांगिक मार्ग है, पंचशील है, त्रिशरण है, त्रिपिटक है, इस सब का हम उसका प्रचार और प्रसार करना हमारा आगे के लाइफ का एम है जी। आगे के लाइफ का जो एम इस परिवार ने दिया है बड़ा ही सुखद है और बड़ा ही प्रेरणादायी है। इस परिवार को हम यहाँ मंगल कामना देते हैं, ये परिवार सुखी रहे, समृद्ध होता रहे और आदर्शों से और विचारों से आगे बढ़ता रहे। दोस्तों हम हैं इस परिवार में शेंडे परिवार और ये कार्यक्रम है ये तेरा घर मेरा घर। मिलेंगे किसी और परिवार में, किसी और आंगन में, कार्यक्रम होगा ये तेरा घर मेरा घर। लेते हैं विदाई, आपने इतना समय दिया और घर में बुलाया हमारी टीम को और हमारा आदर सत्कार किया और इतना समय दिया, हम आपको मंगल कामनाएं देते हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए।